हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम योर फेवरेट अनबॉक्सिंग चैनल। तो कैसे हो आप लोग? होप सब लोग अच्छे भले। तो आज हम करेंगे HW16 स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक रिव्यू। देखेंगे इसकी कैसी क्वालिटी है, इसके फीचर्स कैसे हैं, अच्छी है कैसी है, जो भी है सब देखते हैं इसमें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो ये है हमारे स्मार्ट वॉच की बॉक्स पैकिंग, करते हैं ओपन इसे। ये है हमारे स्मार्ट वॉच का डायल। यह है इसका स्ट्रैप, यह है इसका मैग्नेटिक 2-पिन मैग्नेटिक चार्जर और यह इसका मैनुअल। तो फिलहाल ये सारी चीज़ों को साइड में करते हैं। तो यह हमारे स्मार्ट वॉच का डायल, दिखने में थोड़ा छोटा है बिकॉज इसका जो डायल साइज है 40 mm का है। साइड में हमें मेटलिक टाइप फिनिशिंग मिल जाती है जो कि मेटल नहीं है, ये अलॉय है। यहाँ पे राइट साइड में हमें एक बटन देखने को मिल जाता है, रोटेटिंग बटन, जो कि फंक्शनल आता है। और ये वाला जो बटन है ये डमी है, ये वर्क नहीं करता है। यहाँ पे हमें माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है और लेफ्ट साइड में हमें स्पीकर्स मिल जाते हैं। बैक साइड में वही प्लास्टिक सिरामिक फिनिशिंग है और यहाँ पे कुछ प्रिंटेड है, हार्ट रेट, हेल्थ, ब्रेसलेट, वाटरप्रूफ। और यहाँ पे हमें सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, इसके जो सेंसर्स है LED। और यहाँ पे इसका चार्जिंग पॉइंट है 2-पिन। और ये रिमूवेबल स्ट्रैप के साथ आता है, आप इसके स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो। अगर आपको कोई और स्ट्रैप्स अगर आपका फ्यूचर में खराब हो जाता है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो। तो ये फायदा होता है रिमूवेबल स्ट्रैप का। स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब डिसेंट है। चलो इंस्टॉल करते हैं स्ट्रैप को। इंस्टॉल हो गया बहुत ही आसानी से, अब इसे स्विच ऑन करते हैं। हम कुछ ऐसा दिखता है हमारा स्मार्ट वॉच। सबसे पहले बात करेंगे इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले क्वालिटी में जो काफ़ी अच्छी लग रही है, पिक्चर्स क्लियर हैं। इसके अंदर हमें मल्टीपल वॉच फेसेस मिल जाते हैं, देख लेते हैं कितने वॉच फेसेस हैं। 5 वॉच फेसेस मिल जाते हैं हमें। और इसके अंदर वॉच फेस कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है, मतलब आप इसके अंदर अपनी पर्सनल इमेज, कोई फेवरेट गैलरी की इमेज है वो भी आप इस पर एज अ वॉलपेपर सेट कर सकते हो। और यहाँ पे हमें स्प्लिट स्क्रीन भी देखने को मिल जाता है और यहाँ से हमें शॉर्टकट देखने को मिल जाता है। शॉर्टकट में ये ब्लूटूथ सेटिंग है, इसको ऑन करके आप इसके ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल को। ये इसका ऑलवेज ऑन स्क्रीन, ऑलवेज ऑन मोड है, तो इसे आप ना ही ऑन करो तो ज़्यादा बेटर, बिकॉज इससे इसकी जो बैटरी होगी बहुत जल्दी ड्रेन होगी। और ये स्क्रीन लॉक का ऑप्शन है, इसे प्रेस करते ही आपका स्क्रीन जो है लॉक हो जाएगा, देखिए कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी। और इसे अनलॉक करने के लिए आपको 3 सेकंड तक इस बटन को दबा के रखना पड़ेगा। और ये कुछ नो कलेक्शन कोड, ये कोई फीचर है जो कि आप इसका जो एप्लीकेशन है उससे जब कनेक्ट करोगे तभी आप यूज़ कर सकते हो, तो हम देख लेंगे इसको बाद में। और ये डायरेक्ट सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, इसमें से आप डायरेक्ट सेटिंग में आ सकते हो। यहाँ पे ब्राइटनेस की सेटिंग है, स्क्रीन ऑफ टाइम की सेटिंग है, इसमें आप आपकी स्क्रीन कितने देर तक ऑन रहनी चाहिए वो वाली सेटिंग है। फिर यहाँ फोन सेटिंग में हमें म्यूट वाइब्रेशन, कॉल वाइब्रेशन की सेटिंग मिल जाती है। रेज योर रिस्ट, ये एक तरीके से वेकअप स्क्रीन जेस्चर वाला सेटिंग है, इसे आप ऑन करोगे तो जैसे ही आप हाथ ऊपर करते हो तो इसकी स्क्रीन जो है ऑन हो जाती है, तो ये वो वाली सेटिंग है। फिर डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, साउंड एंड वाइब्रेशन की सेटिंग है, लैंग्वेज सेटिंग, कनेक्ट मोबाइल फोन, ये इसे क्लिक करके ये QR कोड आता है, इसे स्कैन करके आप इसका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो। और फिर वो डाउनलोड करके इससे आप उससे स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल से। और फिर इसमें हमें पासवर्ड प्रोटेक्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, एक तो स्क्रीन लॉक भी इसके अंदर मिल जाता है और सेकेंडली हमें पासवर्ड प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। दोनों टाइप के सिक्योरिटी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। और फिर अबाउट में देखते हैं, अबाउट में हमें ये स्मार्ट वॉच की डिटेल मिल जाती है, मॉडल नंबर HW16। ये रिबूट का ऑप्शन है, इसे रिस्टार्ट हो जाएगा स्मार्ट वॉच। और ये ऑप्शन है, मतलब ये पूरा डाटा इरेज हो जाएगा इसको अगर आप इनेबल करते हो तो। बेसिकली इसके अंदर 3 मेन्यू मोड दिए गए हैं, एक तो ये है। और इसका मेन्यू मोड चेंज करने के लिए आपको बटन को 2 बार प्रेस करना होता है, तो ये देखिए मेन्यू मोड चेंज हो गया। ये है हनीकॉम मोड और ये बहुत स्मूथ है। ये जितने भी HW सीरीज मैंने देखे हैं ना, सब में ये जो हनीकॉम मोड है बहुत ही स्मूथ आता है, मतलब जस्ट लाइक जो एप्पल की ओरिजिनल वॉच होती है ना, बिल्कुल उसकी तरह इसका स्मूथनेस है। और एक ये है तीसरा वाला मेन्यू मोड, तो इस मेन्यू मोड का भी फिलहाल के लिए हम रखेंगे क्योंकि ये क्लियरली दिख रहा है इसमें जो आइकन्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हार्ट रेट का, तो हार्ट रेट सेंसर इसमें दिए गए हैं, बाकी ये कितने एक्चुअल डाटा देता है कितना नहीं वो मैं टेस्ट करके आपको यूज़र रिव्यू वाले वीडियो में बता दूंगा। फिर SpO2, ये भी वही सेंसर से रिलेटेड है, तो ये भी मैं टेस्ट करके आपको अपडेट करूँगा। ब्लड प्रेशर, आउटडोर स्पोर्ट एक्टिविटी, इसके अंदर अलग अलग आउटडोर मोड दिए गए हैं स्पोर्ट्स के, रनिंग, साइकिलिंग, वाटर फील्ड सीटअप्स, ऑन फूट माउंटेनिंग और अदर स्पोर्ट्स। फिर इसमें इंडोर एक्टिविटी भी है, इंडोर रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग पूल, सिटअप्स, पुशअप्स।
ये डायलर एक तरीके से आप यहाँ से कॉल डायल कर सकते हो। जब आप इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट करोगे स्मार्ट वॉच को, तो आप इसकी मदद से यू नो डायरेक्टली यहाँ से आप कॉल डायल कर सकते हो किसी को भी, जिससे वो भी आप यू नो लाइक कॉल करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से डायल करके बात कर सकते हो। और ये डाटा एक तरीके से दिखा देगा जो भी आप एक्टिविटी करोगे, एक्सरसाइज एंड ऑल। और ये स्लीप रिमाइंडर है एक तरीके से। फिर यहाँ पे वेदर का ऑप्शन भी मिल जाता है हमें। ये जब आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हो स्मार्ट वॉच को, तो ये उस मोबाइल से सिंक होके, क्योंकि मोबाइल में तो मोस्टली अगर आपका इंटरनेट है तो वेदर अपडेट आता है, तो वो सिंक होके उस अपडेट को यहाँ पे भी दिखाएगा, आपके स्मार्ट वॉच पे भी दिखाएगा। फिर ये ब्रीथ, ये एक तरीके से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। जैसे आप इसको ऑन करते हो तो ये आपको मतलब लाइक गाइड करता है कि आप अब आप इनहेल करो फिर एक्सहेल करो, तो एक तरीके से ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। फिर ये MET, ये एक तरीके से आपको वीकली डाटा दिखा देता है कि आपने पूरे वीक में कितना यू नो क्या एक्सरसाइज किया, उस हिसाब से एक आपको एक पॉइंट्स देता है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये स्टॉप वॉच का सेटिंग है, यहाँ से आप स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हो इसका। फिर शेक टू टेक पिक्चर, ये एक तरीके से वो वाला फीचर, जैसे अगर आप इसके एप्लीकेशन से स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करते हो मोबाइल से, तो जब आप ये स्मार्ट वॉच को ऐसे शेक करोगे या फिर हाथ में पहन के ऐसे यू नो शेक करोगे, तो ये आपके मोबाइल से सेल्फीज क्लिक कर लेगा। मतलब लाइक अगर आप कोई फोटो लेना चाहते हो सेल्फी, या फिर लाइक पोर्ट्रेट मोड कोई भी यू नो लाइक पिक्चर्स लेना चाहते हो, तो ये एक तरीके से यू नो रिमोट की तरह काम करेगा। फिर है इसके अंदर म्यूजिक वाला फीचर, इससे आप जो मोबाइल के अंदर म्यूजिक्स होते हैं, म्यूजिक प्लेयर होता है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको स्मार्ट वॉच को मोबाइल से कनेक्ट रखना पड़ेगा, और वो भी एप्लीकेशन से, सिर्फ मोबाइल के ब्लूटूथ से नहीं, मोबाइल में जो एप्लीकेशन है इसका उसे कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। फिर ये काउंट डाउन टाइमर है, और फिर यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन है, जो भी आपको मैसेज के अलर्ट आएंगे लाइक SMS या फिर WhatsApp मैसेज जो भी आएंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आप मैसेज और SMS जो भी आएंगे ना, उनको सिर्फ आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो, उनको रिप्लाई नहीं कर सकते, और सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही आएंगे, कोई पिक्चर मैसेज, इमेज मैसेज या वीडियो मैसेज आप नहीं देख सकते, ओनली टेक्स्ट मैसेज। और ये सेटिंग का ऑप्शन है, और यहाँ पे कैलकुलेटर है। इसकी बैटरी बैकअप की बात करूँ तो अभी तो क्लियर आइडिया नहीं, बिकॉज अभी तो मैंने इसे अनबॉक्सिंग किया है, तो इसे यूज़ करूँगा मैं, चेक करूँगा कितना इसकी पोटेंशियल है, कितनी बैटरी बैकअप ये दे सकता है, और विद मोबाइल कनेक्शन कितना है, विदाउट मोबाइल कनेक्शन कितना, और स्टैंड बाय पे कितनी चलती है, तो सारी डिटेल्स मैं आपको पोस्ट कर दूंगा यूज़र रिव्यू वाली वीडियो में। और हाँ, इसका जो चार्जिंग टाइम है वो करीब 2.5 आवर्स के करीब है, तो 2.5 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है ये। तो इसके फर्स्ट लुक रिव्यू की बात करूँ मैं, तो ये काफ़ी हद तक अपने इस प्रीवियस मॉडल, जो इसका प्रीवियस मॉडल था HW12, उसकी तरह है। क्वालिटी भी अच्छी है, उसी की तरह क्वालिटी अच्छी है, और बाकी जो सेंसर्स पीछे दिए गए हैं HW12 में तो डमी थे, बट इसके अंदर पता नहीं, क्योंकि ये इसका सक्सेसर है, तो क्या पता इसके अंदर हार्ट रेट फीचर सब वर्किंग हो, वो तो हम टेस्ट करके बता देंगे आपको, जो इसका यूज़र रिव्यू वाला वीडियो होगा उसके अंदर मैं इसका सारा जो क्राइटेरिया, जो भी इसके फीचर्स है, कैसे काम करते हैं, कितने अच्छे से काम करते हैं भी है कि नहीं, वो सारी डिटेल मैं आपको उस वीडियो में पोस्ट कर दूंगा। और फिजिकली अगर बात करूँ तो फिजिकली काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है मुझे, डायल भी छोटा है, सोबर, सिंपल एंड सोबर लग रहा है मुझे, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आपके आपका जो रिस्ट है थोड़ा पतला है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चॉइस हो सकता है। स्क्रीन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, टच रिस्पॉन्स इंटरफेस जो इसका है काफ़ी स्मूथ है, तो मतलब जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है उससे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और फिजिकली भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये एक अच्छा परचेस हो सकता है। बाकी इसका जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे कैसी परफॉर्मेंस है वो मैं इसके यूजर रिव्यू वाले वीडियो में पोस्ट कर दूंगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है स्मार्ट वॉच को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।